लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप सफेद तिल लिए हैं, यानी सेसमे सीड्स लिए हैं, जिनको हम मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको जो तिल लेने हैं, आप ध्यान रखिएगा, मार्केट में जो तिल मिलते हैं उसमें कई बार थोड़ा सा गंदगी भी होती है, तो आप तिल को रोस्ट करने से पहले एक बार साफ कर लें। अगर आपको उसमें कोई भी गंदगी दिख रही है तो आप उसको निकाल दें। यहाँ पर आपको मीडियम या लो फ्लेम पर इसलिए रोस्ट करना है ताकि जो सेसमे सीड है उनका नेचुरल ऑयल जो है वो रिलीज हो जाए। अगर आप इनको ज़्यादा रोस्ट करेंगे या हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो इससे जो आप लड्डू बनाएंगे वो कड़वे हो जाएंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं, थोड़ा सा ठंडे होने देते हैं। इसमें से मैं आधे जो सीड्स हैं उनको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि क्रश करने से उनकी जो खुशबू है वो ज़्यादा अच्छी आती है। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम खोआ लिया है। इसमें आपको कोई भी घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, खोए में अपना जो घी होता है उतना घी सफिशियंट होगा इस लड्डू को बाइंड करने के लिए। इसको भी हमें मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है 5 से 7 मिनट के लिए। हमें इसको सिर्फ बहुत हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए हमारा खोआ अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम एक थाल में सारे सेसमे सीड्स और खोए को ऐड कर देंगे। खोआ बहुत गर्म है इस और हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1/2 कप जैगरी पाउडर। हम यहाँ पर शुगर का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैगरी जो है वो ज़्यादा अच्छा नेचुरल शुगर का सोर्स है। आप चाहें तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो खोआ है वो अभी गर्म है तो हमारा ये जैगरी अच्छे से उसके साथ मिक्स हो जाएगा और थोड़ा सा मेल्ट भी हो जाएगा। अब हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। पहले आप किसी स्पैटुला की हेल्प से ही मिक्स करें क्योंकि आपका खोआ जो है वो गर्म है तो आपके हाथ जल सकते हैं, और हमें इसको ठंडा भी नहीं करना है क्योंकि हमें अपनी गुड़ को भी इसमें मेल्ट करना है। तो पहले आप इसको स्पैटुला की हेल्प से मिक्स करें, उसके बाद जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए या मिक्स हो जाए तब आप अपने हैंड से इसको मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारे लड्डू बहुत अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। आप इस मिक्सचर को अच्छे से मुट्ठी में बांध कर आप लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए आप इसी तरह से सारे लड्डू बना लें। तो जो लोग डाइट करते हैं ये लड्डू उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें शुगर नहीं है। सेकेंड थिंग, तिल जो है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और ये लड्डू उन लोगों के लिए भी अच्छे हैं जो लोग डायबिटिक हैं। हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हैं। ये लड्डू बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और ये खाने में बहुत ही यमी होते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, और आने वाली रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।